नमस्कार, आओ मिलकर बचाएं। यह कविता लिखी है निर्मला पुतुल ने और इस कविता में प्रकृति का प्रेम संस्कृति प्रेम के साथ दर्शाया गया है। कवियत्री झारखंड के संथाली रंग और जीवन शैली को बचाना चाहती है। वह अपनी बस्तियों को शहरी अपसंस्कृति से बचाकर झारखंड की माटी के रंग में रंगना चाहती है। वह चाहती है कि उनके जीवन में गर्माहट, ताजगी, हरियाली, भोलापन, अखड़पन और जुझारूपन बना रहे। वे पहले की तरह धनुष बाण और कुल्हाड़ी को धारण करें। उन्हें वही जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की पवित्रता, पहाड़ी गीतों की धुन, मिट्टी की सुगंध, नाचने गाने के लिए गीत और आंगन, रोने के लिए एकांत, बच्चों के लिए मैदान और पशुओं के लिए हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति मिलती रहे। वह अब भी पहले की तरह विश्वास, आशा और सपनों के संसार में जीना चाहती है। कविता की प्रथम पंक्तियों में वह कहती है, अपनी बस्तियों को नंगा होने से, शहरों की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड्डियां में। इस कविता में उन्होंने अपने परिवेश को शहरों की अपसंस्कृति से बचाने की वकालत की है और कवियत्री सभी लोगों का आह्वान करती है, सभी को संबोधित करती है कि हे मित्रों, हमारी बस्तियां शहरी वातावरण की उच्छृंखलता के प्रभाव में आती जा रही हैं। इस कारण हमारे क्षेत्र में पाई जाने वाली मर्यादाएं खत्म होती जा रही हैं। हमारे इलाके के लोग शर्महया छोड़कर नंगे होते जा रहे हैं। उनके तन के कपड़े भी तन ढकने की बजाय तन को दिखाने की होड़ कर रहे हैं। यहाँ के वृक्षों को काट काट कर धरती को वृक्ष विहीन किया जा रहा है। इस तरह तो एक दिन पूरी की पूरी बस्ती हड्डियों का ढेर बन जाएगी, अर्थात शहरी संस्कृति के प्रभाव में यहाँ के निवासी रक्त मांस हीन होकर दुर्बल हो जाएंगे और वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। शहरी आबोहवा शहर की दुष्ट संस्कृति और कृत्रिम चकाचौंध का प्रतीक है। कवियत्री शहरों की आबोहवा से बस्तियों को नग्नता, अश्लीलता और उच्छृंखलता बढ़ने का खतरा है। जिस प्रकार से वृक्ष काटे जा रहे हैं, बस्तियां पेड़ ही नंगी होती जा रही हैं, उससे लगता है कि बस्तियों का जीवन भी हड्डियों के कंकाल की तरह निरर्थक हो जाएगा। दूसरे स्टेंजा में कवियत्री कहती है, अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अखड़पन, जुझारूपन भी। यानी वो सब लोगों को संबोधित करते हुए कहती है कि उसे कविता में जो जो बताया है वह सब चाहिए, यानी जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, अखड़पन और जुझारूपन। कवियत्री अपने प्रदेश की स्वाभाविक विशेषताओं को बचाने का आग्रह कर रही है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हमारे झारखंड के लोगों के चेहरे पर शहरी संस्कृति का प्रभाव ना हो, बल्कि संथाल परगना की मिट्टी का स्वाभाविक रंग हो। आशय यह है कि लोगों के व्यवहार में प्रादेशिक गुण बने रहें, उनकी भाषा का झारखंडी स्वभाव नष्ट ना हो जाए और वे अपनी ही बोली में बोलें। शहरी संस्कृति के प्रभाव में आकर यहाँ के लोगों की दिनचर्या में ठहराव आ गया है, उनके जीवन का उत्साह नष्ट हो गया है। मैं चाहती हूँ कि उनके जीवन में
वह उत्साह फिर से लौट आए, मन में फिर से सरसता और मधुरता आ जाए। उनके दिलों में चालाकी और समझदारी की बजाय पहले जैसा ही भोलापन हो। उनके स्वभाव में अखड़पन, उनका बात बात पर गर्म होकर तन जाना और संघर्ष करने के लिए तैयार रहना, सब गुण वापस लौट आए। जैसा कि स्पष्ट है, कवयित्री का अपनी संस्कृति से प्रेम इस कविता में स्वाभाविक है। उसे अपनी संथाली लोक स्वभाव पर स्वाभाविक गर्व है। शहरी जीवन की जड़ता और ठहराव की जगह उमंग, उत्साह और उल्लास भरे वातावरण की वह जीवन में वकालत करती है। कविता की भाषा अत्यंत सरल है। यह जनजीवन की भाषा के करीब की भाषा है। इसमें कृत्रिमता कहीं भी दिखाई नहीं देती। कृत्रिमता की जगह निर्झर जैसी सहजता है, यानी कोई झरना बह रहा हो, इस प्रकार की सहजता कविता में दिखाई देती है। भाषा का प्रवाह मुग्धकारी है। माटी का रंग सांस्कृतिक विशेषता का परिचायक है और यह लाक्षणिक प्रयोग है। ठंडी होती दिनचर्या, इसमें उमंग उल्लास से शून्य ठहरे हुए जीवन का प्रतीक है। कविता में जो कवयित्री हैं उनके झारखंड का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। जनजीवन में सहजता, सरलता, जोश, भोलापन और जुझारूपन देखने की कवयित्री इच्छा रखती हैं। वह नैसर्गिक व्यवहार को देखना पसंद करती हैं। ठंडी होती दिनचर्या का आशय क्या है, प्रश्न उठता है। आलस्य, उदासीनता, उदासी और ठहराव, ये सब ठंडी होती दिनचर्या में आते हैं जो शहरों में पाए जाते हैं। जीवन की गर्माहट का यहाँ पर आशय है हलचल, गतिशीलता और जुझारूपन। झारखंडीपन का यहाँ पर तात्पर्य है झारखंड के लोगों के स्वाभाविक गुण, उनका भोलापन, सरसता, सरलता, अखड़पन, जुझारूपन, सक्रियता, गर्मजोशी और जिंदादिली। इस कविता की भाषा नैसर्गिक और सरल है। अन्य पंक्तियों में कवि कहता है, भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन और फसलों की लालहाट। इसमें उन्होंने शहरों की अपसंस्कृति से बचाने के लिए साथ ही ये कहा है कि झारखंड के जीवन के लोगों में उत्साह और ऊर्जा बनी रहे, उनकी उमंग कभी नष्ट ना हो, उनके धनुष की डोरी और तीर का नुकीलापन हमेशा की तरह बना रहे, यथावत रहे। उनकी कुल्हाड़ी जैसी पहले हुआ करती थी वैसी अब भी हो, यानी वो अपने जो पुराने समय में जिस प्रकार का जीवन जीते थे अपनी शैली को ना छोड़ें, अपने उत्साह, अपने कामों में तेजस्विता और अपने प्रभाव को वो सुरक्षित रखें। यहाँ का प्राकृतिक जीवन भी ज्यों का त्यों बना रहे, जंगल की हवा, नदियों की पवित्रता, पहाड़ों का शांत वातावरण और गीतों की मीठी लय, मिट्टी की स्वाभाविक सुगंध। जब बारिश आती है तो मिट्टी की आपको सुगंध आएगी, आप उसे देख सकते हैं, कभी बारिश आती है तब, तो उसे कहते हैं मिट्टी की स्वाभाविक सुगंध। अधिकांशतः गांव के स्थानों पर मिट्टी में सुगंध आती है जब बारिश होती है। और लहलहाती फसलें ज्यों की त्यों बनी रहें, उन पर किसी भी शहर के जीवन का कोई साया ना पड़े। कुल मिलाकर कवयित्री लोक जीवन की सहजता को बनाए रखना चाहते हैं। धनुष बाण संथाल परगना की पहचान है और इसके माध्यम से लोक जीवन को लौटाने के लिए गुहार लगाई गई है।
तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार और भीतर की आग, ये तीनों संथाल वासियों की स्वाभाविक स्फूर्ति, तेजस्विता और प्रचंडता के प्रतीक हैं। कुल्हाड़ी उनकी श्रम की पहचान है, यानी वो कितना श्रम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, यह उसकी पहचान है। भीतर की आग मन की तीव्र इच्छा और मन की द्योतक है। कवयित्री पर्यावरण की स्वच्छता और निर्दोषता के प्रति सचेत है, यानी वह चाहती है कि पर्यावरण में अशुद्धि ना घुल जाएं। कवयित्री की भाषा बिना किसी आडंबर के सरल, तुकांत, न कोई छद्मबद्धता, न अलंकारों की भरमार, अपितु इसमें है अभिव्यक्ति की सादगी। चौथे स्टेंजा में वह कहती है, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। यानी वो कहती हैं, मैं चाहती हूँ कि हमारे जनजीवन में फिर से नाच गान का उल्लासमय वातावरण हो, नाचने के लिए खुले खुले आंगन हो, वहाँ नित प्रति गीत गाए जाते हों, हमारे जीवन में हंसी हो, खिलखिलाहट हो, रोने के लिए थोड़ा सा अकेलापन भी मिले, बच्चों के खेलने के लिए खुले मैदान हो, पशुओं को चरने के लिए हरी हरी घास हो और बड़े बूढ़ों को पहाड़ी प्रदेशों का शांत वातावरण मिल सके। कवयित्री लोक जीवन की सहजता को बनाए रखना चाहती है। वह नृत्य, गाना, हंसी, खिलखिलाहट, दुख, खेल कूद, शांति सबको महत्व देती है। उसे सुख और दुख, बच्चे बूढ़े, मनुष्य पशु, उमंग और शांति सब का अनुभव प्रिय है। इस वर्णन में समग्रता है, यानी वह सभी को साथ लेकर के चल रही हैं। भाषा अत्यंत सहज है, उनकी अभिव्यक्ति प्रवाहमयी है। हरी हरी में पुनरुक्ति प्रकाश है, यानी है की आवृत्ति हुई है। अन्य पंक्तियों में वह कहती हैं, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। दौर यानी समय, सपने यानी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, और अविश्वास यानी दूसरों पर विश्वास ना करना। इस कविता में, इन पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि लोक जीवन में मिलने वाला आपसी विश्वास और आशाएं बची रह जाएं। यद्यपि आज चारों ओर आपसी संदेह का वातावरण छाया हुआ है, यानी कोई भी किसी का विश्वास नहीं करता है, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शक की निगाह से देखता है, लोग एक दूसरे को शक की दृष्टि से देखते हैं, जो विश्वसनीय है उसका भी विश्वास करने योग्य समय नहीं रह गया है। अधिकांशतया लोग शक में जीते हैं कि कोई आपको धोखा ना दे दे। ऐसे वातावरण में आपसे विश्वास को बनाए रखना बहुत जरूरी है। अपने सपनों को और आशाओं को जीवित रखना बहुत जरूरी है। ये सपने, यह आशा, यह विश्वास केवल लोक जीवन में प्राप्त हो सकता है, शहरी जीवन में नहीं हो सकता। कवयित्री पाठकों को प्रेरित करती हुई कहती हैं, आओ हम मिलकर आशा, विश्वास और सपनों को बचा लें, कि कहीं ये हमारे जो आशा हैं, विश्वास, सपने, ये कभी ख़त्म ना हो जाएं, समाप्त ना हो जाएं। निराशा और अविश्वास के इस युग में भी हमारी भावनाएं अभी पूरी तरह मरी नहीं हैं, जिंदा हैं, और जो ये बची हुई हैं तो हमें इन्हें बचाकर और भी रखना चाहिए। अभी समय है, समय रहते इसे बचा लेना चाहिए।
कवयित्री लोक जीवन के सकारात्मक गुणों को बनाए रखने की प्रेरणा इस कविता में दे रही हैं। वह शहरी संस्कृति के कारण उपजे अविश्वासपूर्ण वातावरण को निर्मूल सिद्ध करना चाहती है। आओ मिलकर बचाएं, इन शब्दों में खुला आह्वान है। थोड़ा सा, थोड़ी सी, थोड़े से, इन शब्दों की आवृत्ति से अभिव्यक्ति मनोरम बन गई है। इससे कथन में लय और प्रवाह का समावेश हुआ है। भाषा में उर्दू उम्मीद, संस्कृत विश्वास, तद्भव सपने का अद्भुत संगम है। इस पद्यांश में ना छंदबद्धता है, ना तुकांतता, ना संगीत, ना लय, बल्कि अर्थ का प्रभाव है। लेखिका की कथन शैली काव्यात्मक है। वह आज के युग को अविश्वास का युग मानती है। लोग अपनी आशाएं, कल्पनाएं और सपने खो चुके हैं, क्योंकि अधिकांश लोग शहरों की तरफ जा चुके हैं। उनकी नज़रों में सब कुछ नष्ट हो चुका है। कवि मनुष्य जीवन के बीच घटता विश्वास, आशा, आस्था, स्वप्न आदि को बचाकर रखना चाहती है। वह आशावादी है। वह निराशा और अविश्वास के युग में भी आस्था और सपनों को जीवित रखने की आशा रखती है। तभी कहती है कि बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज में शहरों की देखा देखी जो नग्नता और ठंडापन आया है उसकी ओर संकेत करती है और इसकी बुराई पर प्रहार करती है। इस प्रकार से कविता में आह्वान किया गया है कि बस्तियों और शहरों को नग्नता से बचाएं। नग्नता यहाँ तीन अर्थों में प्रयुक्त हुई है, स्वभाव की, वेशभूषा की और पेड़ पौधों की।